बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्या सर आर्मी में ट्रेनिंग के बाद भी टेस्ट होता है या ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होता है सर, क्या हमें उसको क्लियर करना है? अगर क्लियर नहीं करते सर क्या होगा हमारे साथ, हमारे को घर भेज दिया जाएगा? तो इस वीडियो में इसका डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, पासिंग आउट परेड के बाद आप एक फौजी माना जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं भर्ती होने के बाद एक फौजी माना जाता हूँ तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। जिस दिन आपका कसम परेड, पासिंग आउट परेड या POP, तीनों में से कोई भी बोल लीजिए, जहाँ पर उस दिन होता है, ऑफिसर में आपने सुना होगा जो कमीशन हुए और फौज में आपने सुना होगा रिक्रूट से आप सोल्जर बने, तो ये दोनों टर्म इसलिए लगाया जाता है। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको कोई भी सेना का फैसिलिटी नहीं मिलता। चाहे आप ट्रेनिंग के अंदर अगर आपकी कैजुअलिटी हो जाते हो, आप मर जाते हो, वहाँ पर कुछ भी होता है, तो सेना उसके लिए दायी नहीं है। जब आप ARO से, जिस दिन आपकी BRO से ARO से डिस्पैच होंगे ट्रेनिंग सेंटर के लिए, इतने मोटे का एक डॉक्यूमेंट आपसे लेकर साइन करवा के, वहाँ पर अगर पढ़ सके तो पढ़ लेना। वहाँ पर उसमें क्लियर लिखा होगा आपकी सर्विस कितना साल चलेगा, कितनी साल आपकी सर्विस होगा, कितनी एक्सटेंडेड होगा, अगर इसके बीच में कुछ हो जाए क्या होता है। अगर आपके पास टाइम होगा तो पढ़ लेना, फिर बताना मुझे सर आपने सही बोला है। तो यहाँ पर बात आता है कि क्या क्या टेस्ट होता है। देखिए, पहले आपका जो फिजिकल आप जाएंगे तो अग्निवीर की बता देता हूँ, फिर मेडिकल की बताता हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही परिवार की। मेडिकल में यहाँ पर अग्निवीर में क्या है, 10 वीक का बेसिक ट्रेनिंग है, जहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की 6 वीक का है, सॉरी 6 मंथ का है, वो पहले जैसे ही है उनका भी, क्योंकि उनके परमानेंट ही है, कोई मतलब अग्निवीर स्कीम नहीं है। तो यहाँ पर 10 वीक के बाद आपका फिजिकल टेस्ट का एक कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 2.5 किलोमीटर रन रहेगा आपका, 17 मीटर शटल रहेगा, और उसके बाद 2 टच रहेगा। ये सारे टेस्ट होंगे आपकी। अगर वो टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो फर्दर आप एडवांस ट्रेनिंग आपको कराया जाएगा। जैसे आपने टेक्निकल में कोई ट्रेड लिया है, GD में कोई ट्रेड लिया है, ट्रेड्समैन में कोई ट्रेड लिया है, तो उस हिसाब से आपकी जो भी ट्रेड आपको मिला होगा उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग होगा। लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग का ट्रेनिंग ये पक्का होगा, फिजिकल, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, ये तीनों का टेस्ट आपका 10वीं वीक में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पास करना जरूरी है, नहीं पास करते हो तो क्या होगा, आपको रिलीगेट किया जाएगा फॉर द वीक ऑफ 4 वीक। 4 वीक अभी और ज़्यादा आप ट्रेनिंग करोगे, और ज़्यादा खाओगे, रगड़ा पट्टी आपकी चलेगा, दबा एक बार फेल हो गए, अगर आपके अलग सा एक स्क्वाड बन गया 5-10 बंदों का, फिर तो आपको बहुत बुरी तरीके से पहले जाते हैं सेंटर में, ठीक है, जहाँ भी जाते हो फिर पहले जाते हैं, उसको फिर रिलीगेट स्क्वाड के नाम पर जाना जाता है, और मेन स्क्वाड से आप बिल्कुल हट जाते हो, फिर आपको मतलब बड़ी बुरी तरीके से पहले जाते हैं, फिर आप ट्रेड ट्रेनिंग से हट जाते हो, आपके जो आगे वाले बंदे हैं, जो आपके साथी हैं, वो आगे निकल जाते हैं और आप वहाँ पर रह सकते हो। तो इसको पास होने की तरीका यही है जो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, ध्यान से सीखिए, जो कराया जाता है उसको ईमानदारी से करिए, उसमें कोई भी मतलब नेगेटिवली लेना या फिर ऐसे ही बोला ठीक है हो जाएगा ऐसे मत करिए, जो भी आपको सिखाया जाता है बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करिए। देन अग्निवीर में आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होगा 10 वीक के बाद, 6 महीने तक आपका होगा, 6 महीने से आपके 10 वीक ये बेसिक में चला गया, बाकी बचे हुए आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होगा। ट्रेड ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जैसमिन कॉलेज CHQ सेंटर हेडक्वार्टर ट्रेड टेस्ट, वहाँ पर जो भी आपको ट्रेड में मिला होगा, टेक्निकल में कोई भी ट्रेड, GD में कोई भी ट्रेड, उसकी जानकारी कितना आपको हुआ ट्रेनिंग में, आपने क्या सीखा, एक्चुअली में आपको इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया, आपने कुछ सीखा, जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया उसका कुछ फ़ायदा हुआ, उस चीज़ों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ट्रेड के बारे में टेक्निकल में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो सिखाया होगा, वहाँ पर उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्लियर करना है, अगर आप वहाँ पर उसको क्लियर नहीं करते फर्दर आप रिलीगेट हो जाओगे 4 वीक के लिए। अगर मान लो आप ये बोलते हो सर 4 वीक में जो रिलीगेट हुआ मैं और ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद भी मैं पास ही नहीं हुआ सर, उसके बाद फिर और 4 वीक आपको मिलेगा, मतलब 1 महीना और मिलेगा, वहाँ पर अगर आप फिर भी क्लियर नहीं करते हो तो ये माना जाता है कि आप एक इंडिसिप्लिन सोल्जर हो, आप सोल्जर बनने के लायक नहीं हो, वहाँ पर आपको बोर्ड आउट कर दिया जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये क्लियर माइंड में रख लेना। अग्निवीर तो आगे चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेडिकल ट्रेड वाले ये याद रख लेना, आप परमानेंट वैकेंसी पर जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको रिलीगेट किया जाएगा और आपको पूरी कोशिश किया जाएगा पास कराने के लिए, ठीक है। वहाँ पर पास करने के बाद ही आप कसम परेड यानी POP में शामिल हो सके हो। इन ट्रेनिंग के बीच में 6 महीने के बीच में कभी भी आपके घर में, आपकी थाना, नज़दीक थाने में एक पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, उसके ध्यान रखना। जब भी सेंटर में आपको बताया जाता है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन आपकी नज़दीक घर जो थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भेज दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए, अपने पेरेंट्स को, फादर को भेजिए वहाँ कि मेरा आया था पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वालों को बोलो भाई उसका रिप्लाई करेगा। अगर जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता कि आपके नाम पे कोई भी केस रजिस्टर नहीं है, आप POP में शामिल नहीं होते हो, टेक इट सीरियसली, मैं सही बोल रहा हूँ,
बाद में आपको पता चलेगा, ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, एक फौजी आपको बता सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ एज ए ब्रदर होने के आपके नाते आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी एंट्री दे रहे हो NDA, CDS, APCAT, नर्सिंग असिस्टेंट, अग्निवीर, हर चीज़ों में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जब तक पुलिस वाले ये लिख के नहीं भेजेंगे कि इसके नाम पर कोई भी अभी तक केस रजिस्टर नहीं है, आपकी POP नहीं होगा। एक बार आप POP हो गए, फौजी बन गए, आपको सारे फैसिलिटी लागू हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ये याद रख लेना। ट्रेनिंग में अगर आपको कुछ भी होता है उसके लिए फौज, मतलब क्या बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आप ट्रेनिंग में कुछ भी होता है। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग में ये होता है कि अगर आपकी कुछ फिजिकली डिसेबल हो जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे साथ एक MP का बंदा था, BPT दौड़ते टाइम उसकी टांगे में एक राइफल लगा था किसी दूसरे के आके और उसकी टांगे टूट गया था बिल्कुल, और वो कभी ठीक नहीं होना था, तो उसको बोर्ड आउट कर दिया जाता है। यहाँ पर बोलते हैं सर बोर्ड आउट होता क्या, बोर्ड आउट यही होता है कि सेना से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को और एक बंदे ने पूछा सर पेंशन मिलता है क्या बोर्ड आउट में। देखें, डिपेंड करेगा कौन सी बोर्ड आउट लेके जा रहा है। अगर वो बोर्ड आउट लेके जा रहा है, जैसे मेरा दोस्त ने गया था, तो उसको कुछ उस टाइम की जो पेंशन मिला था 5,000 या 6,000 या 3,000 इतना ही मिलता है, तो कोई काम का नहीं होता है बोर्ड आउट में जो पेंशन। अगर आप सोच रहे हो जितना एक फौजी को पेंशन मिलता है उतना पेंशन मुझे मिलेगा, तो बोर्ड आउट में वो चीज़ें नहीं मिलता है। तो ध्यान से केयरफुली ट्रेनिंग करना, खुद बचना फिर दूसरों को बचाना है, ठीक है। ऐसा पता चला कि खुद ही मतलब इंजर्ड होकर वहाँ पर बैठे हो, ऐसे नहीं करना है। ट्रेनिंग ध्यान से करना है, जोश के साथ करना है, लेकिन होश नहीं खोना है प्लीज़, ठीक है। ट्रेनिंग आप पहली बार नहीं करोगे, सारे ट्रेनिंग कर लिया करके आए हैं, अभी कर रहे हैं, फिर आपके बाद भी बंदे ट्रेनिंग करेंगे, तो सेफली ट्रेनिंग करना है, ठीक है। अपना ध्यान रखना वहाँ पर, अपने साथियों का भी ध्यान रखना। उसके बाद आपके पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, 2 ट्रेड टेस्ट होगा वहाँ पर, जैसे आपका हो जाता है POP हो जाता है, उसके बाद आपका रेजिमेंट में पोस्टिंग आएगा, आपकी यूनिट मिलेगी, आपकी आपकी नया घर बनेगा। तो ये आपका था जो आप पूछ रहे थे कि ट्रेड टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। कितने मार्क्स का होगा सर? 100 मार्क का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में आपको आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेड है अलग अलग पूछा जाएगा, जिसको ड्राइवर मिला है उसको ड्राइवर के बारे में, जिसको टेक्निकल असिस्टेंट मिला है उसको टेक्निकल के बारे में, जिसको रेडियो ऑपरेटर मिला है उसको रेडियो ऑपरेटर के बारे में, अलग अलग लोगों को अलग अलग, जिसको क्लर्क मिला है क्लर्क वाले में, ठीक, अलग अलग पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसको क्लियर करना जरूरी है। सेम अगर मेडिकल ट्रेड में जा रहे हो तो सेम आपका 6 महीने के बाद आपके फिजिकल ट्रेनिंग का टेस्ट होगा, और 2 साल के बाद आपका जो भी नर्सिंग असिस्टेंट है, सिपाही फार्मा, जो भी आपको पढ़ाया होगा उसका टेस्ट होगा वहाँ पर। आप फिर आप POP में, फर्दर POP में जाओगे, और उसके बाद आपकी यूनिट में पोस्टिंग आएगा। जब तक आप पास नहीं करोगे, मजाक करोगे, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। आप ये नहीं सोचना कि हम एक बार आर्मी में भर्ती हो गए तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका यही सोल्यूशन है कि ईमानदारी से अपना ट्रेनिंग करिए। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, और कुछ छूट गया तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।